इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि अगर आप अपने व्हाट्सएप से वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रॉब्लम या कौन सी सेटिंग्स में दिक्कत होती है जिसके कारण यहाँ पर अपने व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉल नहीं कर पाते, तो आप यहाँ पर उन्हें सही करके आप किस तरीके से वीडियो कॉल कर पाएंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मोबाइल को पहली बार आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को या फिर उसे रिसेट कर देते हैं या फिर अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करते हैं तो ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला या फिर आप कोई सेटिंग में मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण ऐसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी को मैं वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक चैट सेक्शन में किसी को भी मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल करेंगे, सिंपली यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर स्टार्ट वीडियो कॉल को आपको सामने इस तरीके से पॉपअप आता है, तो सिंपली यहाँ कॉल वाले पर क्लिक करके आपको परमिशन देनी होती है। इससे पहले यहाँ पर आपको बहुत सारी परमिशन आ जाती है क्योंकि वीडियो कॉल इस तरीके से नहीं हो पाती। वीडियो कॉल करने से पहले आपको कैमरा की और माइक्रोफोन की परमिशन देनी होती है, जिससे कि आपका कैमरा जो इस व्हाट्सएप से लिंक हो सके और फिर अपने माइक को भी आपको अपने व्हाट्सएप से लिंक करना होता है, जिसके कारण यहाँ पर दोनों ये मैच होने के बाद ही आप यहाँ पर वीडियो कॉल कर पाएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर आपकी पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग वीडियोज़ का आपको परमिशन मांग रहा है, सिंपली यहाँ पर अलाउ करेंगे। इसके बाद देखिए अलाउ व्हाट्सएप रिकॉर्ड यहाँ आईडियो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे। अभी अलाउ हो जाने के बाद मैं आपको बता देता हूं, देखिए सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन को जो होगा इसको अनइंस्टॉल करके फिर से अनइंस्टॉल करके आपको यहां पर अपनी आईडी फिर से बनानी होगी, या अगर नहीं होता इसके बाद तो देखिए सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन इसके बाद देखिए ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए यहां पर आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आएंगे, इसके नीचे आने के बाद देखिए आपको यहां देखिए क्लियर कैच का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये रिसेट हो जाएगा। अगर न्यू आईडी बनाना चाहते हो देखिए क्लियर डाटा पर आपको क्लिक करना होगा, इसके बाद आप नई आईडी बनाकर फिर से ओपन करेंगे तो आप वीडियो कॉल बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे।